बुधनी से शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफा देने के बाद अब बुधनी सीट खाली हो गई है, जिसके बाद बुधनी सीट को लेकर कांग्रेस पूरी तरह एक्टिव हो गई है और उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस ने बुधनी विधानसभा प्रभारी जयवर्धन सिंह को बनाया है। नई जिम्मेदारी मिलने के साथ ही जयवर्धन सिंह पूरे एक्शन में है और बुधनी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति बना रहे हैं। हमारा इरादा है कि बुधनी विधानसभा के सिर्फ मंडल तक नहीं, सेक्टर तक नहीं, हमको एक एक मतदान केंद्र, एक एक गांव तक पहुंचना है। ये बात सही है कि 2023 विधानसभा चुनाव में सबको अच्छे परिणाम की उम्मीद थी। सरकार पुनः हमारी बने वो भी हम सपने देख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमें उम्मीद थी वैसा परिणाम नहीं मिल पाया। लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में हमें जीत मिली, राजस्थान में जहां 2014 और 19 में हमारा खाता नहीं खुल पाया था वहां भी इस बार हमको 10-11 सीटें मिली, हर जगह वृद्धि हुई। लेकिन हम सबके लिए बहुत अफसोस की बात है कि मध्य प्रदेश में जिस परिणाम की हमको उम्मीद थी वो हमको परिणाम नहीं मिल पाया। कार्यकर्ताओं से बात करते हुए जयवर्धन सिंह ने महिलाओं पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना के बाद पार्टी को काम करने का तरीका बदलना होगा। हमारे काम करने का तरीका बदलना होगा। मैंने स्वयं ये तय किया, मेरे विधानसभा क्षेत्र रावगढ़ में जहां से मैं तीसरी बार विधायक बना हूं, मैंने अब तय कर लिया कि जिस प्रकार से मेरे विधानसभा क्षेत्र के 272 मतदान केंद्रों पर मैं हर मतदान केंद्र पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पुरुष हैं वहां पर, उनको मैं नाम से जानता हूँ, चेहरे से जानता हूँ, लेकिन जब मैं स्वयं मंथन करूँ तो क्या मैं मेरे 272 मतदान केंद्रों पर महिलाओं को नाम से जानता हूँ? नहीं जानता। तो मैंने अभी तय किया कि मुझे भी अगले 5 सालों में मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक अलग संगठन हर मतदान केंद्र पर महिलाओं का खड़ा करना पड़ेगा। और इस बार भी हमने अभी यही अभी बात रेहटी में हमने कही थी कि रेहटी के बैठक में भी 2 महिलाएं थी, बाकी सब पुरुष थे, और यहाँ भी 2 महिलाएं बाकी सब पुरुष हैं। और ये सिर्फ बात बुधनी की नहीं है, ये बात मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं की। दरअसल रविवार को जयवर्धन सिंह और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल बुधनी विधानसभा के सलकनपुर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बुधनी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले रहटी और भेरुंदा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली और चुनावी रणनीति तैयार की, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बुधनी से विधायक थे लेकिन सांसद बनने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब कांग्रेस बुधनी उपचुनाव में जीत को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। सीहोर से नावेद जाफरी की रिपोर्ट, हैपी तक।